तो गाइज हम बैठ गए अभी क्योंकि वहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, और गाइज इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है इस कुरियर को पैक करने के लिए, और उसमें जो है हमने प्लास्टिक डाला हुआ है अंदर से कवर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाय चांस, मतलब जैसे वैसे होता नहीं है लेकिन कभी कभी क्या होता है बारिश बुरिश की वजह से जो है वो ख़राब हो जाता है। तो गाइज देखिए फौजी साहब का जो है वो मेकअप चल रहा है। देखिए गाइज ऐसे तो वो आते नहीं, बोलते नहीं है ब्लॉग में, लेकिन गाइस अभी हम निकल पड़े खाना खुना खा के। तो फौजी साहब पत्नी क्यों हंस रहे हैं, तो गाइस फौजी साहब लेके आ रहे हैं हमारे कुरियर, वो जा रहे हैं आगे आगे, अभी उधर पता नहीं क्या होता है। हे गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह ही, तो दोस्तों जो भी नए आएंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों बहुत सारा ढेर सारा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि दीदी आज जो है बहुत जल्दी तैयार हो गई, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, तो दोस्तों हाँ मैं जा रही हूँ कहीं, तो अभी मम्मी भी नहीं आए हुए हैं, तो मम्मी को मतलब मम्मी जो है जहाँ पे गए हुए हैं मेहमान, तो वहाँ फंक्शन था तो उधर जो है आने नहीं दे रहे हैं मम्मी को, और पापा जो है ड्यूटी चले गए, उधर से फ़ोन आया था मम्मा को सुबह सुबह ही, तो मैंने सोचा ठीक है क्योंकि आज हमने जाना है मार्केट में। तो दोस्तों हम मार्केट जो है किस लिए जा रहे हैं, हमने चक्कर मार मार के ना अभी तंग आ गए हैं, पिछले आपने ब्लॉग देखे होंगे हम मार्केट में ही थे, तो गाइज हम गए हुए थे कि कुछ कुरियर भेजना था हमने ना अपने ससुराल में, क्योंकि हमारे पास जो है बैग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम भाई की शादी के लिए आए थे, तो गाइज बहुत ज़्यादा हमारे पास सामान हो गया है और इतना सामान जो बीबी के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने क्या किया कि पहले जो पूछताछ करने के लिए गए थे कि कहाँ से क्या क्या होगा कुरियर वगैरह का, तो गाइस इतना ज़्यादा महंगा बताया उन्होंने, और जो प्राइवेट होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा बताया, तो फिर हमने सोचा कि चलो देखते हैं कितना केजी होता है। और फिर अभी जो है गाइस हमने पिछले कल जो है मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों अभी जो है सबसे पहले आपको मौसम दिखा देते हैं हिमाचल का, और अभी तक मैंने जो है थोड़ा थोड़ा मेकअप सेकअप किया है, लिपस्टिक वगैरह नहीं की है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया हुआ है, तो गाइस सिर्फ चाय पी हुई थी, और आज फौजी साहब ने मुझे सिंदूर लगाया, गाइस देखो कैसे लगाया हुआ है इधर से इधर इधर से इधर। तो चलिए दोस्तों बाहर का मौसम दिखाते हैं आप सभी को सबसे पहले, फिर लेके चलते हैं किचन में, फिर हमने जो है वो कुरियर पैक कर दिए हैं गाइस मैंने और फौजी साहब ने, आधी रात हो गई थी हमें, 11:30 बज गए थे गाइस रात को, तो बोलते चलो आज करके ही रखते हैं, लेकिन अभी जो मेन पैकिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है ससुराल जाने की, तो जब वो स्टार्ट होगी तब आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों बाहर का नज़ारा, तो गाइस इधर जो है अंशु और नाना जो है वो देख रहे हैं वीडियो शेड्यू, साउंड बहुत छोड़ा है मम्मा आपने, तो गाइज मैं अंशु को खिला रही हूँ बिस्किट, लो मम्मा, तो वो देख रहे हैं पता नहीं कार्टून जैसी वीडियो वगैरह देख रहे हैं। गाइज नानी भी तैयार हो गए सुबह सुबह, है ना अम्मा, अम्मा बोलते हैं गाइज हम नानी का, और नानी सुबह ही नहा लिए हैं, तो दोस्तों अंशु अंशु बोलती है नानी अम्मा, और गाइस मौसम देखिए ऐसा हो रखा है सुबह सुबह का, तो ऐसा लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगी, पर कोई भरोसा नहीं है गाइस हिमाचल की बारिश का, तो ऐसा लग रहा है ना ये जो बादल है वो पहाड़ों के समेट गए हैं, साथ साथ में लग गए हैं, डर लग जाता है। तो गाइस हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पर हमारा मार्केट है, तो जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा घर दिख रहे हैं ना गाइज इधर दूर से ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि इधर जो है ना गाइज एक तो प्लेन एरिया नहीं है और ऊपर से क्या है कि पहाड़ बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट सामने दिख जाता है हमारा। तो देखिए दोस्तों ऐसा मौसम हो रखा है, और गाइज अभी चल रहे हैं हम अंदर किचन में, तो किचन में भाभी कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी, तो ये देखिए दोस्तों ये हमारे भाबो, तो बाबू क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हैं, खाना बन गया, बन गया, बन गया गाइस, मतलब खिचड़ी बनाई हुई है आज हमने ना आलू की ब्रंस, और ये अंशु के लिए दूध रख दिया है ना गाइस, मेरे बाबू पता क्या बोलते हैं, उनको बोलने की जरा भी आदत नहीं थी, तो वो पता क्या बोलते हैं कि मुझे दीदी ने सिखाया, गाइस सच में मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना है ना, क्योंकि मेरे बाबू ना बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, बिल्कुल ऐसे हंसते थे,
नॉर्मल से स्माइल होती थी बस, है ना। हाँ जी। तो गाइज अभी दिखाते हैं आप सभी को हम जो हमने कुरियर पैक किए हुए ना गाइज, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है इन कुरियर को पैक करने के लिए। ये देख सकते हैं गाइज, ये वन पता नहीं था ना कि कैसे पैक करते हैं कुरियर को। तो गाइज हम बैठ गए अभी क्योंकि वहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है। और गाइज इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है इस कुरियर को पैक करने के लिए, और उसमें जो है हमने प्लास्टिक डाला हुआ है अंदर से कवर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाय चांस, मतलब जैसे वैसे होता नहीं है लेकिन कभी कभी होता है बारिश बुरिश की वजह से जो है वो ख़राब हो जाता है अंदर वाला जो सामान है हमारा। तो गाइज देखो कितना मुश्किल है ना गाइज, ये देखो इतना ज़्यादा भारी है और अभी तक हमने जो है ना गाइज इसको मतलब तोला नहीं है। इस कितना केजी है ये वाला, जैसे वो पिट्ठू होते हैं ना वैसा बना हुआ है हमारा पिट्ठू बैग। तो हमें जहाँ पे हम गए थे, जहाँ पे हमने कुरियर करना है ना, तो उन्होंने बता के रखा था कि जो व्हाइट वाला होता है ना उसको ही लेते हैं, जो मतलब बाहर का आप कपड़ा भी व्हाइट ले सकते हैं या फिर कुछ भी चल सकता है। तो इसमें जो है वो हमने अच्छे तरीके से सिल भी दिया है और बहुत भारी है। तो गाइज ऐसे जो कुरियर है ना वो हमें चार से पांच, हाँ चार से पांच भेजने पड़ेंगे गाइज, तो कितना मुश्किल है ना गाइज। शादी हमें भारी पड़ रही है, शादी के टाइम जब आए थे तब तो इतना सामान बिल्कुल भी नहीं था और अभी देखो कितना सामान हो गया है। और फौजी साहब आए हैं, उनका सामान अलग से। तो दोस्तों अभी फौजी साहब नहाने के लिए गए तो वो भी आ रहे हैं, अभी हमने नाश्ता विश्ता करना है थोड़ा बहुत और फिर चले जाना है। तो बने रहेगा वीडियो में। तो गाइस फौजी साहब भी आ गए नहा धो के। तो गाइस देखिए फौजी साहब का जो है वो मेकअप चल रहा है। देखिए गाइस ऐसे तो वो आते नहीं, बोलते नहीं है ब्लॉग में, लेकिन ऐसे ऐसे दूर दूर से मनाना पड़ता है मुझे। एक पी दे मां। गाइज अंशु को ऐसा लग रहा है कि मम्मी और पापा कहाँ चल पड़े इतना तैयार होके, उन्होंने नया सूट पहना हुआ है, पापा भी तैयार हो रहे हैं, तो कहाँ जा रहे उसको ऐसे लग रहा है। तो हमारे ना इर्द गिर्द घूम रही है वो, मैंने बोला कि नानी के पास चले जा, उसकी मामी है घर में उनके पास चले जा, नहीं अभी कुछ नहीं जा। अमित बच्ची को तेल लगाना है। तो ठीक है दोस्तों फिर हम ना बाद में मिलते हैं आप सभी के साथ। गाइस अभी हम निकल पड़े खाना खुना खा के। तो फौजी साहब पत्नी क्यों हंस रहे हैं, तो गाइस फौजी साहब लेके आ रहे हैं हमारे कुरियर दो दो बुचके और हमारे हाथ में दिए हेलमेट, इतने भारी भारी है और सड़क ऊपर से खराब है। पापा कहाँ चले आगे, कहाँ आपने रनिंग करके जाना। हो जा रहे हैं आगे आगे, अभी उधर पता नहीं क्या होता है। हे भगवान, सड़क की तो ऐसी कम तैसी हो गई है, ऊपर से है गलू से। पापा उधर है आगे, गाइज पापा ना ये कच्ची सड़क से जो है वो बाइक आगे लेके गए हैं, क्योंकि हमारे पास सामान है ना इसलिए पापा अच्छी तरीके से बैठा देंगे हमें, और फौजी साहब को छोड़ दिया मैंने, वो गाड़ी के पास पीछे रह गए और मेरे बाजू ऐसे ही थके जा रहे हैं गाइज, इतने भारी है ये हेलमेट। तो दोस्तों हम ना उधर जाने के बाद मिलते हैं आप सभी से। तो अभी हम बस 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं पक्की सड़क के पास, अभी खाना भी खा लिया है तो आज पता नहीं फौजी साहब क्या खिलाएंगे, वैसे कुछ खाने का मन नहीं है। ठीक है दोस्तों फिर बाय। फिसलन है, पापा कहाँ खड़े हो गए,
चले गए। हाय दोस्तों, तो अभी हमारा काम जो है हो चुका है। तो दोस्तों, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, आपने देखा, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब हम सुबह ही आ गए लेकिन फिर भी हमें लाइन में लगना पड़ा। तो कम से कम मुझे 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, और फौजी साहब बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि जेंट्स की लाइन भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो मैंने सोचा मैंने ही पार्सल करने हैं, तो फिर मैं ही खड़ी होती जाती हूँ, आप बाहर खड़ो। और फिर वो एड्रेस वगैरह फिल कर रहे थे, तो अभी जो फाइनली हमारा काम हो चुका है, तो अभी हम चल पड़े दोस्तों घर में। और इतने ज़्यादा थक गए, हालत ख़राब हो गई है। तो फाइनल फौजी साहब भी उधर खड़े हैं, लाल लाल टी शर्ट वाले। और ठीक है फिर दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं आप सभी के साथ अगले ब्लॉग में। तो तब तक वेट कीजिएगा अगला ब्लॉग जो है। तो ऐसे ही कुरियर करने हैं दोस्तों, हमने चार पाँच कुरियर हैं, तो अभी एक दिन में सिर्फ 2 कुरियर कर सकते हैं। तो ठीक है फिर, बाय बाय।